बहुत एक्साइटेड हूँ. फर्स्ट फिल्म का वो जो वाइब होता है वो हमेशा ही बहुत डिफरेंट होता है. यू नो इट्स जस्ट डिफरेंट फीलिंग. सारे फर्स्ट प्रीमियर, फर्स्ट सेटअप, फर्स्ट को एक्टर्स, फर्स्ट फिल्म डायरेक्टर. सो वेरी मच वेरी एक्साइटेड. ओवरऑल कैसा रहा एक्सपीरियंस? जितने भी स्टार कास्ट हैं इस फिल्म में आई यू एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था. इनफैक्ट मेरे लिए फ्राइडे शूट करना वॉज नॉट लेस देन अ पिकनिक, क्योंकि गोविंदा सर, वरुण शर्मा, अभिषेक डोगरा, this is just such a good team. I mean hum actually set pe hans hans ke gir gaye the, so it's very good fun. So ab apne fans ko kuch kehna chahenge aap, kyunki tv industry mein bahut hi popularity hai aapki, right? And ab apne fans ke liye bollywood mein kuch kehna fans ke liye, I made this commitment big boss karne ke baad ki main ek chhota sa break lungi, but uske baad whatever I do I'll make it a point ki mere jitne fans hain, jitni audience hai, wo proud feel kare. And actually ये break थोड़ा लंबा हो गया, and all this time I was saying कि I'll be back. I hope वो ये film देखें and they feel proud. So अगर मैं आपसे पूछूं कि who is most सबसे ज़्यादा comedian कौन है, वरुण शर्मा and गोविंदा? नहीं pick कर सकती. See obviously गोविंदा sir is a legend, okay, and वरुण is very funny. तो मैं दोनों को compare नहीं कर सकती, but they're both good. And एक आखिरी सवाल ये है कि ऐसा कहा जा रहा है कि इंडिया में hashtag Me Too की शुरुआत हो चुकी है. जी आप कितना सपोर्ट करती हैं इस? किसी भी लेवल का हरासमेंट गलत होता है, चाहे वो फिजिकल हो या सेक्सुअल हो. ये सारे जो मुद्दे उठ रहे हैं, मेरा मुद्दों पे ओपिनियन नहीं है, बिकॉज आई थिंक इसलिए ज्यूरिसडिक्शन है कि वो एक कंक्लूजन पे पहुँचें कि क्या फेयर है, कौन राइट था, कौन नहीं है. बिकॉज इन अ वे अब यू नो हर इंसान जो उसमें इन्वॉल्व है, उसकी इमेज एंड लोग जो उसके बारे में बातें करते हैं वो मेंटली टॉर्चरस होती हैं. सो आई जस्ट वेट कि ज्यूरिसडिक्शन को इस बारे में क्या कहना है. बात रही मूवमेंट की, आई बिलीव इन सारी चीज़ों के लिए लोगों को उसी टाइम पे खड़े हो जाना चाहिए. इसके लिए आपको किसी पुश या फोर्स की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए. अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, यू शुड रेज योर वॉइस फॉर इट. थैंक यू जी, थैंक यू सो मच एंड गुड लक. थोड़ा सा जाने दीजिए. इतना आगे मत जा, अरे रुक जा भाई, हट जा भाई. सर आप कहाँ जा रहे हैं सर? एक्सलर में हम चलो जरा बाइट करने दो. अरे रुको रुको, अरे सर वो तो रुकना. सर एक कॉमन बाइट कर दो. सर कुछ ही घंटे बाकी रह गए आपकी फिल्म रिलीज होने में. ऐसा लोग कह रहे हैं कि बहुत ही उम्मीदें आपके साथ. सर एक सेकंड, बहुत ही उम्मीदें आप कितने एक्साइटेड हैं आप इस फिल्म को लेकर? Really thankful to all my fans. I'm really thankful to Sajid ji, Sajid Qureshi. I would like to say thanks to the director Abhishek Dongra, the whole team. I would like to thank ke ye acha mahol taiyar hua ke aaj bahut hi log ise pasand kar rahe hain aur ummeed karta hu ke jaisa ye buzz hai aur jaise log chah rahe hain वैसे ही सुपर हिट निकलेगी. वरुण शर्मा एंड आपकी कैसी रही केमिस्ट्री? बहुत अच्छे. इस सच अ वेरी वेरी नाइस यंगस्टर्स में से जो एक्टर्स आए हुए हैं उसमें ही इज वेरी गुड. एंड मुझे उम्मीद है ऑल माय को स्टार्स इन दिस फिल्म, चाहे वो वरुण हो, चाहे दिगन्ना हो, चाहे परवलीन हो, चाहे विजेंद्र काले हो, एवरीबडी हैज़ डन हिज एक्ट आउटस्टैंडिंग. मैडम आप कितनी एक्साइटेड हैं फ्राइडे को लेकर? मेरा तो पेट में गोले घूम रहे हैं. नहीं नहीं, पिक्चर देख के आप लोग बताइए पिक्चर कैसा लगा. आप लोग देखने से इंडस्ट्री में कई सारे करीबी दोस्त हैं आपको. आप चाहेंगे कि कौन कौन ऐसे करीबी दोस्त हैं जिनको आप चाहेंगे कि उनको आप खुद से आए और दिखाए सिनेमाघरों में?
आई विल लेट यू नो दैट. बहुत आज तो मैं फिलहाल तो अभी ये लोग आए हुए हैं फिल्म देखने के लिए. आई वुड लव टू आस्क माई ऑल माई कलीग फैमिली फ्रेंड्स एंड जितने लोग घर परिवार के हैं, खास तौर पे जो अच्छे प्रेमी हैं, मैं उन सभी के आई विल आस्क टू कम. सर एक आखिरी सवाल ये, ऐसा कहा जा रहा है कि इंडिया में हैशटैग मीटू की शुरुआत हो चुकी है. जी मीटू की शुरुआत हो चुकी है. अरे भैया इसको पहले यार ये लग रही है. फ्राइडे के लिए एक्चुअली कल फ्राइडे है और उससे भी ज़्यादा खुशी की बात है कि गोविंदा सर की फिल्म है. हम सभी उनके बहुत बड़े फ़ैन हैं. मतलब अगर कॉमेडी की बात है तो आई थिंक वो किंग है. और जब भी घर पे भी देवीना हमेशा मुझे देखती है कि मैं कभी भी कॉमेडी का कुछ देखना हो तो गोविंदा सर की सारी फिल्में लगा देता हूँ. तो उनका वो दिन है, सुपर एक्साइटेड. हम दोनों बहुत एक्साइटेड हैं. हिज एक्टिंग इज़ लाइक अ बेंचमार्क फॉर राइट टाइमिंग, क्विक टाइमिंग एंड ऑल दो स्टफ. तो इसीलिए और इस फिल्म का जो ट्रेलर था विच बहुत एक्साइटिंग था. आई मीन गोविंदा और मतलब ही इज़ नॉट लुकिंग ओल्ड, ही इज़ लुकिंग at par with today's actor, I think which is very commendable. तो यही देखने के लिए आए हैं. कश्मीर भी गए थे आप लोग, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस? ब्यूटीफुल वादियाँ, हमने वीडियो बहुत अच्छा लगा. यहाँ बहुत गर्मी है. यहाँ बहुत गर्मी है कश्मीर में. एक्चुअली मैं सबको ये कहना चाहूँगा कि सबको कश्मीर जाना चाहिए. बहुत लोग वहाँ पे जब भी मैं गया हूँ सब लोग यही बोलते हैं कि हम डर के मारे नहीं जाते. ऐसा बिल्कुल भी माहौल नहीं है. सबको मैं सबसे गुजारिश करना चाहूँगा कि सब प्लीज़ कश्मीर जाएं और वहाँ पे इतनी खूबसूरत जगह है, वो जन्नत है. सही में, सही मायने में जन्नत है. हमारे साथ में जो दोस्त गए थे वो भी बहुत डरे हुए थे कि कश्मीर में माहौल बहुत ख़राब होगा, लेकिन जब वो गए तो उनका नज़रिया बदल गया और वो सबको बता रहे कि कश्मीर जाना चाहिए. इट्स ब्यूटीफुल. पलटन के बाद क्या कुछ तैयारियां आपकी चल रही है, क्या कुछ धमाका करने वाले हैं? बिल्कुल, बहुत सारा रोज़ जिम जा रहा हूँ, जिमनास्टिक्स कर रहा हूँ और लोगों से मिल रहा हूँ, नरेशन ले रहा हूँ. कुछ अच्छी चीज़ें हैं और अच्छी चीज़ें हो रही हैं एंड सुपर एक्साइटेड. कौन सा ऐसा कैरेक्टर मैडम आप इन्हें देखना चाहेंगे, क्योंकि हमने राम सीता देखा, सैनिक बनकर पलटन में हमने देखा. अगर राम सीता देखा तो ये रावण है. ये रावण है, ये तब से इंटरव्यू के बीच में फोटो चाहिए, इसको दे दो यार. कौन से कैरेक्टर में देखना चाहती हूँ? बहुत सारे कैरेक्टर में देखना चाहती हूँ, बिकॉज इस तरीके से मैं इनको जानती हूँ आई थिंक बहुत लोग नहीं जानते. तो मैं एक गांव वाले के हिसाब से देखना चाहती हूँ. बिल्कुल गुरमीत, बहुत बिल्कुल बहुत अच्छे से फिट होंगे और बिकॉज एक्चुअली इनका जड़ है गाँव का, तो इसे ज़्यादा बहुत अच्छा कोई शायद ना कर सके. और विलेन के हिसाब से तो मैंने देखा हुआ है पर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने नहीं देखा है. समथिंग लाइक एन अलाउद्दीन खिलजी, गुरमीत कैन डू वेरी वेल. हम जल्दी ही देखेंगे. थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच.